जाहिर है यह आपके लिए कोई मुफीद रास्ता नहीं, यह आपके लिए नुकसान का रास्ता। घर में आप गुस्सा कर लें, बाहर वालों में जाकर के गुस्सा कर लें, जोश में आकर के दूसरों को लूटना शुरू करें, जोश में आकर के दूसरों को बर्बाद करना शुरू करें, जोश में आकर ओल फोल बकना शुरू करें, यह बेहतर रास्ता नहीं, यह खैर का रास्ता नहीं। कुव्वत बर्दाश्त को बताया, और कुव्वत बर्दाश्त का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी आपकी पिटाई करता जा रहा है और आप जो है खामोशी से बैठ करके मार खाते जा रहे, ये बर्दाश्त नहीं। सब्र उस बर्दाश्त को कहते हैं जिसमें तदबीर हो, जिसमें सोच हो कि साहब इसका मुकाबला हमें कैसे करना है। आज हालात ऐसे बन गए, आज हालात ऐसे खतरनाक हो गए, आज हमारे खिलाफ लोग तैयारियां कर रहे हैं, खुफिया साजिशें हो रही हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही हैं, हम जोश में आकर तकरीर कर दें कि कुछ भी हो जाए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, शरीयत में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चिल्लाते रहें और कानून हमारे खिलाफ बनता रहे। ऐसा जोश किसी काम का नहीं, ऐसा जोश किसी काम का नहीं है। वो जोश जिसमें तदबीर, जिसमें सोच, जिसके में कोई प्लानिंग हो, जिसमें कोई मंसूबा हो, कोई एजेंडा हो, वो सोच सब्र उस बर्दाश्त को कहते। आज क्या हुआ, कानून लाया गया तलाक के खिलाफ, लोकसभा में कानून पास हो गया, राज्यसभा में इनकी अक्सरियत आ गई, बहुत एहतजाज किया हमने, खवातीन ने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया, बताया कि हमें आपका ये कानून मंजूर नहीं है, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, बातें ऐसे नहीं सुनी जाती, ये कानून जो लाया गया है वो पास होगा, वो पास होगा, इसलिए कि इसके रोकने की वो जोश और जज्बा नहीं, यहाँ पर चिल्ला देना नहीं, आपसे नारा लगवा देना नहीं, आपसे तालियां बजवा देना मकसद नहीं, ये सब्र नहीं। ऐसा सब्र जिसमें तदब्बुर हो, जिसमें गौर व फिक्र हो, जिसमें मुस्तकबल के लिए कोई प्लानिंग। मुसलमानों, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर आपको अब भी बताया जाए कि हालात बड़े खराब हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, आप मदरसे में भेजिए, आप स्कूलों में भेजिए, आप कौम में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अगर अभी भी इन सब बातों को समझाने की जरूरत हो तो हम नहीं समझते हैं कि आप जिंदा हैं। जिंदा अगर कोई उसके दिल में धड़कने वाला दिल है तो फिर ऐसे लोगों को आज समझाने की जरूरत नहीं है। आज गैरों ने कौम को इत्तेहाद कर ली, कौमें मुत्तहिद हो गई, उनमें बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है, अकीदे का इख्तिलाफ है, जात और बिरादरी का इख्तिलाफ।